हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। निधि, आज तुम्हारा बर्थडे है, उसके लिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो कौन आया, माँ ही है। तुम उस बुढ़िया को लेकर वापस आ गए। मैंने तुमसे मना किया था ना कि उस बुढ़िया को कभी मत आने देना। तुम्हें मैंने 10 बार समझाया ना, मुझे वो बुढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्यों लाए उसे मेरे बर्थडे पर? मैं बहुत मजा आ रहा है ना मेरा बर्थडे खराब करने में। तुम्हें पता है ना वो कैसी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो बुढ़िया ना। हम जब भी कुछ सेलिब्रेट करते हैं या कुछ अच्छा स्पेशल होता है तो हमेशा आ जाती है, और हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या जो जब देखो जब मुंह उठा के आ जाती है वो? हमारी नई नई शादी हुई है और उन्हें ये नहीं लगता कि मैं उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने दूं, जब देखो जब हमसे बीच में घुस के आ जाती है। सपन, मुझे तो लगा था तुम मुझे कुछ स्पेशल ला कर दोगे, कुछ गोल्ड का, कुछ डायमंड का, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल करके रख दिया। इस बुढ़िया को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड कितने अच्छे हैं, उनके बर्थडे के दिन उनके लिए क्या सरप्राइज प्लान करते हैं, कितने महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, और तुमने इस बुढ़िया को मेरे सर पे लाके खड़ा कर दिया। और अब ना मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। मुझे नहीं करना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। निधि, तुम ये कैसी बात कर रही हो माँ से? तुम चुप रहो, तो मैं कैसे बात करूँ? आरती की थाली लाकर उनकी पूजा करूँ, आरती उतारूँ? बड़ी मुश्किल से तो मैंने उस बुढ़िया से पीछा छुड़वाया था, गांव भेजा था, अब तुम उसे उठाकर वापस मेरे सर पर लेकर आ गए हो। सपन, तुम अभी के अभी जाओ और उस बुढ़िया को ना वृद्ध आश्रम में फेंक के आओ। निधि, मम्मी, सपन तुमने बताया नहीं कि तुम सरप्राइज में मम्मी को लेकर आने वाले हो। मम्मी, मुझे लगा कि वो सासू माँ को ये लेकर आए हैं, पर आप आई हैं। सॉरी मम्मी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी? ये तुम्हारी मम्मी है तो तुमने सॉरी बोल दिया? अगर इसी जगह मेरी मम्मी होती तो तुम सॉरी बोलती? देख लीजिए सासू माँ, मैं कहता था ना आपसे कि ये मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और आज आपने अपनी आंखों से भी देख लिया और सच आपके सामने ही है। निधि, ये कौन सा रूप है तेरा? ऐसा तो कभी नहीं देखा था मैंने। तुझमें थोड़ी समझ है कि नहीं? जमाई सही कहते थे, निधि ये मेरे संस्कार नहीं है जिस तरह से तुम बात कर रही हो। तुम्हें अपनी सास की इज्जत और उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना तुम माँ को देती हो। वो तुम्हारी सास नहीं, माँ है। इतनी नफरत कि उनको वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही है। दामान जी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, मुझे उतना ही सम्मान दिया जितनी अपनी माँ को देते हैं। तू ये क्या कर रही है? माँ बेटे को अलग करना चाहती है? मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे। मैंने तो सोचा था तू इस घर को संभालेगी, लेकिन तू तो तोड़ने की बात कर रही है। मम्मी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। आपको तो पता है ना मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मुझे लगता था कि मैं अकेली रहूंगी, तो इसलिए मैंने ये सब फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिया। निधि, बात कुछ भी हो, अब मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती इस घर में, मैं जा रही हूँ। पर मम्मी, सपन तुम रोको ना इनको।